ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय प्रथम खंड मधु विद्या ओम असव आदित्य इत्यादि। अध्याय के आरंभ में पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध बतलाया जाता है। अव्यवहित पूर्व अध्याय के अंत में ये बतलाया गया है कि वह यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानता है तथा उसी अध्याय में विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ के अंगभूत यज्ञ संबंधी साम होम मंत्र और उत्थानों का भी उपदेश किया गया है। इनके द्वारा संपूर्ण यज्ञों का कार्य निष्पत्ति रूप अर्थात संपूर्ण यज्ञ साधनों का फल स्वरूप सूर्य महति श्री से दीप्त हो जाता है। वे सूर्य देव संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का फल स्वरूप है, अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रय से जीवन धारण करते हैं। अतः अव्यज्ञ का निरूपण करने के पश्चात मैं उसके फल स्वरूप सूर्य की उपासना का जो संपूर्ण पुरुषार्थों से शीर्षतम फल वाली है विधान करूंगी। इस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है।